टीकमगढ़ विधानसभा के शासकीय हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल गेडापाली में प्राचार्य उमाशंकर बंजारे के द्वारा एडमिशन फीस के नाम से स्कूली बच्चों से 2,500 से लेकर 3,000 तक की अवैध वसूली की जा रही है और माइग्रेशन शुल्क के नाम से 500 रुपए भी लिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पालक द्वारा बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन और जिला शिक्षा अधिकारी CS ध्रुव से की गई। इस मामले में जब हमारी टीम ने प्राचार्य से बात करना चाही तो प्राचार्य स्कूल में ताला लगाकर भागते हुए नजर आए और कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गेंडापाली पे पढ़ रहा था और मेरे से 500 रुपया माइग्रेशन शुल्क लिया है उमाशंकर बंजारे सर। क्या बोल कर लिए माइग्रेशन के लिए तो कम पैसा लेना था, ऐसा नहीं बोल क्या? मैंने बोला था उसको सर इतना तो नहीं लेता है, 100-150 लेता है, तो नहीं जी इतना ही लग रहा है, हम सभी से ले रहे हैं बोला। 12वीं के एडमिशन मतलब आप रिजल्ट निकालने आए थे तब लिए माइग्रेशन के लिए? हाँ। क्या नाम है आपका? छायालाल साहू। मैं गेड़ापाली हाई स्कूल आया था एडमिशन कराने के लिए मेरी बहन का, और मेरे से मतलब 3,000 रुपया का मांग किया गया था। फिर मैंने बोला कि एडमिशन फीस तो अभी नहीं लग रहा है, सरकार द्वारा निःशुल्क कर दिया गया, फिर आप क्यों ले रहे हो? फिर इस विषय में थोड़ा बहस भी हुआ कि नहीं हमारे यहाँ ले रहे हैं क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो पंजीयन करते हैं उसका पैसा लग रहा है, ऐसा करके वो बोले थे। तो मैं बोला कि ठीक, इसी बात को आप लिखित में दे दो कि फीस लग रहा है, तो बोले एडमिशन अब नहीं होगा आपका। तो मैं बोला कि लिखित में ही दे दो कि एडमिशन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैं SDM साहब के पास कॉल किया, मतलब मौखिक शिकायत किया, तो उनसे मैं बात किया तो फिर बोले कि नहीं चलो ठीक है अब मैं बात करता हूँ करके। फिर बंजारे सर से वो मोबाइल में ही बात की है और उनको बोला गया कि मतलब क्यों लिया जा रहा है ऐसा करके। फिर वो बोले नहीं सर एडमिशन मैं दे दूँगा ऐसा करके। फिर उसके बाद मेरे को बोले कि चलो आपका एडमिशन निःशुल्क हो जाएगा ऐसे बोले मेरी बहन का। और कौन से क्लास में एडमिशन कराने आए थे और कौन से और मांगे थे पैसे? 12वीं कक्षा बायो और सर का नाम प्रिंसिपल का नाम है उमाशंकर बंजारे। ऐसे कि आपने कहीं शिकायत की है इसका? हाँ, मैं इसका शिकायत बलौदा बाज़ार कलेक्ट्रेट में भी इसका शिकायत पहुँचा है और बलौदा बाज़ार जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी पहुँचा है। क्या बोले बलौदा बाज़ार अधिकारी लोग? बलौदा बाज़ार में CS ध्रुव सर हैं शायद अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, वो बोले कि हम 7 से 8 दिनों में इसका जाँच कराएँगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई और जो फीस लिया गया है उसको हम रिफंड कराएंगे ऐसे बोले। आपका परिचय? मेरा नाम महेश्वर नेताम है, मैं ग्राम खुरदरा का रहने वाला और मेरी एक बहन है उसी का एडमिशन के लिए आया था मैं।